नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है राका और बाका की, जो कि भगवान श्री कृष्ण के उच्च कोटि के भक्त हुए हैं। राका और बाका पति पत्नी थे। उनके मन में भगवान के सिवाय और कोई चाह नहीं थी। वे दुनिया के हर लोभ को छोड़ चुके थे। दोनों पति पत्नी रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाते, फिर उन्हें बेच देते और इसी तरह उनका गुजारा चलता। और अगर उनके पास कुछ बच जाता तो शाम को उसे बांट देते और फिर से कंगाल होकर सो जाते और अगले दिन फिर से लकड़ियां काटने या लकड़ियां बीनने चले जाते। एक बार संत श्री नामदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि आप अपने भक्त राका बाका की गरीबी दूर कर दीजिए। भगवान ने कहा, मैंने बहुत से उपाय किए उनकी गरीबी दूर करने के लिए, लेकिन वो सब कुछ दान कर देते हैं। दो तीन बार तो मैंने खुद भेस बदल कर उनकी लकड़ियाँ 100 गुने दामों पर खरीदी थी, पर उन्होंने सारे पैसे सत्संग में दान कर दिए। फिर भक्त नामदेव जी ने फिर से आग्रह किया कि आप एक आखिरी बार इन्हें फिर से धन देकर देखो। एक बार जब राका बीमार हुआ और 3 दिनों से वो लकड़ियाँ काटने भी नहीं जा रहा था, तो 3 दिनों तक वो लोग बिना कुछ खाए रह गए। 4th दिन फिर से दोनों लकड़ियाँ काटने गए और फिर घर वापस आने लगे। श्री कृष्ण भगवान ने रास्ते में सोने से भरी मोहरों की थैली रख दी और श्री कृष्ण और नामदेव जी दोनों पेड़ के पीछे से उन्हें देख रहे थे। इतने में राका बाका जी वहां से गुजर रहे थे। इतने में वहां से शायद कोई घुड़सवार निकला था, क्योंकि धूल उड़ रही थी और घोड़ों के पैरों के निशान भी थे। राका जी ने किनारे में पड़ी मोहरों की थैली देखी और फिर सोचा, शायद उस घुड़सवार की ये थैली गिर गई होगी। उन्होंने सोचा, मैं तो सब कुछ त्याग चुका हूँ, मेरे लिए तो धन मिट्टी के समान है, पर कहीं मेरी पत्नी का इन रुपयों पर मन नहीं फंस जाए। कहीं वो ये ना सोच बैठे कि रख लेते हैं, बुरे दिनों में काम आएंगे। और ऐसा सोचकर बांका के आने से पहले ही उन्होंने उस थैली को जमीन में दबा दिया। तभी बांका ने उन्हें मिट्टी डालते देख लिया। बांका ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? अब राका ने कभी भी झूठ ना बोलने की कसम खा रखी थी, इसलिए उन्हें बताना पड़ा। उन्होंने कहा, मुझे माफ करना, पर यहाँ सोने से भरी थैली रखी थी। मैंने सोचा कि 3 दिन से तुम्हें भूखा रहना पड़ा था, कहीं ये सोचकर तुम्हारे मन का लालच ना जाग जाए, इसलिए तुम्हें ध्यान में रखकर मैं इस पर मिट्टी ढक रहा था। राका की बात सुनकर बाका खूब जोर से हंसने लगी और बोली, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? लगता है तुम्हारे भीतर लालच अभी बाकी है, क्योंकि तुम्हें अभी भी सोने और मिट्टी में फर्क पता है। भगवान की जीत हुई और श्री नामदेव जी हार गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर राका और बाका को दर्शन दिए और फिर वे दोनों भगवान को अपने घर ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कुछ मांगने को कहा तो उन्होंने कहा कि हमें आपकी कृपा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। नामदेव जी राका बाका के इस वैराग्य को देखकर अपने आप को तुच्छ मानने लगे।